झालावाड़ जिले के गागरोन के पास काली सिंध नदी की पुलिया से बहे तीन लोगों की अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के संयुक्त टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर अजय सिंह ने घटनास्थल का दौरा कर सर्च ऑपरेशन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने लोगों से अपील करते हुए जलभराव की स्थिति में नदी नालों पर को पार नहीं करने की अपील की है। ये कल शाम की घटना है। प्रशासन को 4:15 बजे के आसपास जानकारी मिली थी। इमीजिएटली हमारी जो एसडीआरएफ की जो टीम है और हमारे जो एसडीएम और जो लोग हैं वो मौके पर पहुंच गए थे। पता चला कि कोई 12 के रहने वाले पति पत्नी थे, वो गागरोन शरीफ में जियारत करके वापस लौट रहे थे। जाते समय भी पानी का बहाव था, तब भी उन्होंने रिस्क लेकर के पुलिया पार की और वापस लौट करके वापस मना करने के बावजूद भी वो पार करना चाह रहे थे। तो एक स्थानीय जो सारोला के पास का एक लड़का है मनीष गुजर, वो कहे मैं आपको पार करा दूंगा। और वो तीनों जब बाइक पे आ रहे थे तो बहाव भी कोई विशेष बहाव नहीं था, लेकिन साइड में चूंकि उसका कहीं स्लिप था या कहीं काई वाई जमी हुई थी, उससे वो स्लिप होके और वो गिर गए। गिरने के बाद में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करी। चूँकि इस जगह जहाँ पर ये दुर्घटना घटित हुई है वहाँ अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर के स्टोन हैं, गहराई है और लगातार फ्लो है। इस कारण से एसडीआरएफ की टीम से चर्चा करने भी पता चला कि वो ऐसी जगह गोताखोरों को नहीं उतार सकते बहाव के अंदर। लेकिन फिर भी जो हमारी टीम ने कोशिश की और कोशिश करने के बाद में उस मोटरसाइकिल को तो वहीं पे ढूंढ निकाला। उसके बाद में जो बैग जो था, एक बैग जो लेके पति पत्नी आए थे, उस बैग को भी रिकवर किया, हेलमेट को भी रिकवर किया और एसडीआरएफ के जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे जो बात हुई और जो एक व्यक्ति इन तीनों को बचाने के लिए कूदा था, एक व्यक्ति कूदा था जब ये तीनों डूब रहे थे इनको बचाने के लिए, लेकिन इन तीनों ने मिलकर उसको पकड़ लिया तो वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के बाहर निकला। उस व्यक्ति को साथ लेकर भी हमने एसडीआरएफ से पूरे इलाके की सर्च कराई है, जो भी इलाका है, क्योंकि उनके घर वाले वहाँ मौके पर खड़े हैं, उनको लगता है कि उन्होंने इस तरफ सर्च नहीं किया, उस तरफ सर्च नहीं किया, तो उस इलाके में भी हमने सर्च करवाई है। लेकिन चूंकि ये जो जगह है, ये जगह बहुत ही इस तरह की जगह है जहाँ निरंतर पानी का फ्लो बना हुआ है। नंबर टू, आगे की तरफ बहुत ज़्यादा गहराई है, 200 फीट गहरा पानी है और इसमें चट्टान, पत्थर और ऐसी जो संरचना है उनके चलते गोताखोरों को यहाँ पर उतारना बहुत रिस्क टेकिंग फैक्टर है। झालावाड़ के सभी निवासियों से ये अपील करती हूँ कि मानसून में बारिश जिस तरीके से लगातार हो रही है तो काफ़ी स्थानों पर पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई पुलिया हमारी पानी के अंदर डूब चुकी है, वहाँ पर लोग अपनी जान जोखिम में डाल के उन्हें पार करने की कोशिश ना करें। और उसी के साथ साथ ऐसे निचले इलाके जहाँ पर पानी हमेशा भरता आया है, जब भी बारिश ज़्यादा होती है वहाँ के लोग सजगता रखें, उनके आसपास किस तरीके से पानी का स्तर बढ़ रहा है और प्रशासन के द्वारा जो स्थान पूर्व में ही चिन्हित किए जा चुके हैं वहाँ पर समय रहते ही शिफ्ट हो जाए। उसी के साथ कोई अंडरपास या फिर जो पुलियाओं के नीचे रास्ता है उस पर पानी भरने के बाद उन्हें आप उपयोग में ना लें और विशेषकर ऐसे स्थानों पर दोपहिया वाहन का इस्तेमाल आप लोग नहीं करें। बिजली के खंभे या बिजली की लाइन जिस एरिया से जा रही है उन एरिया से थोड़ा बचिए और अपने घर के अंदर भी अगर आपके जो बिजली के उपकरण हैं उनको जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनको अनप्लग करके रखिए। इस समय में जो मौसमी बीमारियां हैं वे भी बहुत ज़्यादा होती है, उसके प्रति भी आप सभी लोग सचेत रहे और ऐसी बीमारियों से बचें। जिला पुलिस ने एक फ्लड कंट्रोल रूम भी बनाया है, उसके नंबर सभी जगह सूचित हम लोगों ने किया है। आपको जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन लगे तो उस फ्लड कंट्रोल रूम पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।